हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों, आज बन रहा है बिच्छू घास का साग। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, बिच्छू घास को गढ़वाली भाषा में कंडाली बोलते हैं, तो कंडाली का साग या कंडाली की कपली भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से बना रखा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना गाढ़ा और कितना लटपटा हमारा कंडाली का साग बन रखा है, बिच्छू घास का साग बन रखा है। तो चलो दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने कुछ बिच्छू घास लिया है, आप देख सकते हैं इस पे कितने कांटे हैं। और जब ये हाथ पे लगती है तो बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है। तो इसकी खुजली ये मान के चलो आप, अगर इस टाइम लग जाए तो इसी टाइम तक कल तक रहेगी, यानी कि 24 घंटे तक ये असर करती है। इतनी ख़तरनाक ये घास होती है। तो दोस्तों, कनाल दगरी मेरू थोड़ा बहुत पालक भी चले हुई और बढ़ोल भी चले हुई। अभी मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ तो ये हमारी गढ़वाली लैंग्वेज है, उत्तराखंड में बोली जाती है। पालक और बढ़ोलों को अच्छे से काट देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सविता अच्छी तरीके से काट ली है। तो चलो दोस्तों, बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रखी कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे हम पानी, और ये पानी डाल दिया है, और इसको अच्छे से बॉईल कर देंगे, गरम कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे दो छोटे चम्मच नमक, और अब इसमें डाल देंगे हम पानी, हमारा बॉईल हो गया है, गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम कंडाली, अब कनाली डालते टाइम ये हाथ पे नहीं लगनी चाहिए, अगर हाथ पे लगेगी तो फिर 24 घंटे तक इसकी झंझनाहट हाथों में बनी रहेगी। तो इस टाइम बड़ी सेफ्टी से काम करना होता है, हाथ पे लग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये हमने सारी कंडाली डाल दी है। अब इसमें थोड़े से ऊपर से डालेंगे पालक और बडलू और धनिया, इसको एक साथ हम बॉईल करेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे चावल पीस रखा है, आप देख सकते हैं। ये न ज़्यादा पाउडर है न ज़्यादा मोटा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा पीस रखा मैंने। इसको भी मैं अभी बॉईल करते टाइम ऊपर से डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी कंडाली का साग है इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी, गाढ़ा हो जाएगा बढ़िया सा, और बढ़िया सा टेस्ट भी आएगा। दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी से अगर कंडाली का साग बनाएंगे तो आपका साग एक नंबर का बनेगा। तो चलो दोस्तों, अभी इसमें हम ढक्कन रख देंगे और बॉईल करने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है। अभी इसका कलर भी चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी 5 मिनट हो गए हैं, इसको थोड़ा हम चेक करेंगे अभी कितना पका है या पूरा पका कि नहीं पका। तो दोस्तों, 10 मिनट हो गए हैं बॉईल करते, तो आप देखते हैं हमारा लगभग पूरा पक गया होगा। आप देख सकते हैं अच्छे से पक गया है। अब इसको हम दोस्तों अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। कम से कम 5 मिनट तक हमें इसको हिलाना पड़ेगा बढ़िया से, अच्छे से, तब जाके ये हमारा बिल्कुल अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर टाइप का बनेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले से कितना अच्छा भी हमारा साग लग रहा है कंडाली का। इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे, बढ़िया से हिलाते रहेंगे इसको। दोस्तों, इसको अच्छे से हिलाते रहना है, तब जाके कंडाली की साग में अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी पहले से कितना गाढ़ा हो गया है,
और कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब इसको हम नीचे निकाल देंगे। दोस्तों अब मारेंगे इसमें हम पहाड़ी स्टाइल में छोंक तड़का, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है और इसको अच्छे से गर्म कर दूंगा और इसमें डाल दूंगा तेल। ये मैंने इसमें तेल डाला और इसमें डालूंगा मैं अब लाल मिर्च और इनको अच्छे से ब्राउन करके निकाल दूंगा। अब इसमें डाले मैंने साबुत धनिया और जीरा और ये अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें डालूंगा मैं प्याज बारीक कटा हुआ और अच्छे से ब्राउन कर दूंगा। और हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इसको डाल दूंगा मैं कंडाली के साग के ऊपर से, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये हो गया हमारा तैयार कंडाली का साग यानी बिच्छू का साग, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया और कितना लाजवाब हमारा साग तैयार हो रखा है। इसमें डालूंगा मैं ऊपर से अब हरा धनिया और ये ऊपर से हरा धनिया डाला और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी बिच्छू घास की, आप देख सकते हैं दोस्तों। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना दोस्तों और सब्सक्राइब भी करना। और ये मैंने एक थाली ली है, इसमें डाला मैंने चावल यानी भात, थोड़ा से और डाल दूंगा। और अब डाला मैंने इसमें बिच्छू का साग, आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बढ़िया और कितना लाजवाब लग रहा है। और इसमें रखी मैंने ऊपर से दो भुनी हुई लाल मिर्च। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में।